पूरी दुनिया में कॉटन के उत्पादन में गिरावट देखने को मिल रही है। अमेरिका में कॉटन का उत्पादन 3% कम रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं भारत में भी कॉटन का उत्पादन कम ही रहने का अनुमान है और उधर वर्ल्ड कॉटन कंजप्शन ग्रोथ में 2.9% की बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है। कोरोना के बाद डिमांड बढ़ने से इसकी कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है और स्पिनिंग मिलों से भी कॉटन की जो डिमांड है वो भी मजबूत बनी हुई है। भारत से कॉटन के निर्यात में भी काफ़ी तेजी देखने को मिल चुकी है। दरअसल भारत में कॉटन की फसल पिंक बॉल वॉर्म नामक बीमारी से खराब हुई है और रही सही कसर भारी बारिश ने पूरी कर दी, जिससे किसान को काफ़ी नुकसान भी हुआ और इसके स्टॉक में भी कमी आई है। हाजिर में कॉटन की कीमतों में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं बात करें अगर हरियाणा की, तो हरियाणा में कपास प्राइवेट बोली पर 8570 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक चुका है। कपास का ये भाव अब तक सीजन में सबसे अधिक भाव रहा है। कपास के भाव बढ़ रहे हैं, ऐसे में किसानों को इसके भाव 10,000 रुपये तक होने की उम्मीद लग रही है। वहीं वायदा में भी कपास का भाव अपने रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार करता दिखाई दे रहा है। MCX पर पहली बार कॉटन 32,000 रुपये के पार निकली है। ICE पर भी ये सितंबर 2011 के हाई पर है। कोरोना के बाद मजबूत डिमांड और अमेरिका में उत्पादन कम रहने के अनुमान से इसकी कीमतों को सपोर्ट मिला है। ऐसे में बाजार जानकारों का मानना ये है कि आने वाले दिनों में कपास की कीमतों में ये उछाल जारी रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।